हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य टेक्निकल क्लासेस में दोस्तों आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये वह प्रश्न है जिनको देखकर परीक्षा में डर लगता है। जनरल साइंस के टॉप 30 प्लस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। वाकई में इन क्वेश्चनों को देखकर आपको महसूस होगा कि ये क्वेश्चन आपको टॉप 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखकर डर लगेगा और आप इन क्वेश्चनों को शायद छोड़ के आते भी होंगे। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो सेशन को एक बार आप देखें, आपको यकीन हो जाएगा कि सेशन में क्या था। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फपूंदी। फपूंदी इज द राइट आंसर। फपूंदी यानी ए इज द राइट आंसर। पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है फ्रेंड्स? फपूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हरित बाली रोग किससे संबंधित है? सी बाजरे से। हरित बाली रोग जो संबंधित है वह फसल है बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नींबू का डाईबैक रोग किस कमी के कारण होता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने कहा कि यही वह क्वेश्चन है जो आप इनको पढ़ते तो होंगे लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद नहीं रहते होंगे। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉप 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें लगभग 70% छात्र इन क्वेश्चनों को कॉम्पिटिशन में छोड़ के आते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का डाईबैक रोग किस कमी के कारण होता है? तांबा। सी इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स किस क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार? राइट आंसर हो जाएगा बी, चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जस्ता या फिर जिंक की कमी से, यानी डी इज द राइट आंसर। आपको जस्ता भी मिलेगा या फिर जिंक भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे सेवाल। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नींबू का कैंकर रोग किससे संबंधित है? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने कहा भी था कि ये वो क्वेश्चन है जो आप एग्जाम के अंदर 70% स्टूडेंट या छात्र छोड़ के आते हैं। तो आप इस सेशन को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल पे जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डर्मेटोलॉजी। डी इज द राइट आंसर। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑस्टियोलॉजी, यानी बी इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जीव के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? अब इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? किस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर हो जाएगा इसका इम्यूनोलॉजी, यानी बी इज द राइट आंसर। जीवों का जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स वो होता है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखो शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको स्टार लगा ले फ्रेंड्स। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म। डी इज द राइट आंसर। पहली ओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों का अध्ययन को कहते हैं, कीड़े के अध्ययन को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ओंटोलॉजी, इक्रोटोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। बी इज द राइट आंसर, एंटोमोलॉजी कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र से प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर है चिकित्सा विज्ञान। क्या फ्रेंड्स? चिकित्सा विज्ञान।
निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम उत्तर जीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक वर्ण में सर्वोत्तम उत्तर जीविता के सिद्धांत को किसने पर आधारित विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको मालूम है कि स्टेथोस्कोप क्या काम आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, लैनेक ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लैनेक ने। एडवर्ड जनरल रोग से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये जुड़े हुए हैं चेचक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आ जाएगा बी, हार्वे जो था उसने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। नेक्स्ट है, सिलेंट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलेंट्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेंट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निडेरिया। सी इज द राइट आंसर, निडेरिया को सिलेंट्रा संघ के अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हाइड्रा। क्या फ्रेंड्स? हाइड्रा इज द राइट आंसर, जो श्वसन करता है परंतु रक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीप प्रबल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल द्वीप या प्रबल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा सेलेंट्रा, बी इज द राइट आंसर, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा क्या है जिसमें रक्त नहीं होता है और शोषण लेता है, तो हाइड्रा, तो टेंट्रिकल्स। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ के एक उत्तरदायी संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है फ्रेंड्स? ये निडेरिया। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ओरलिया। सी, मैंने कहा था कि आपको कम से कम 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने एग्जाम में देखे होंगे, अगर आपने वाकई में अगर साइंस रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी, या फिर एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, या फिर एएलपी या टेक्निशियन दिए होंगे, तो इसमें से ये 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 70% छात्र इन क्वेश्चन को छोड़ के आए होंगे और अपने एग्जाम के अंदर एक से लेकर दो का नंबर कम लेके आएंगे। लेकिन अगर आपने सेशन देख लिया, एक से लेकर दो बार आप देखें और क्वेश्चन को दो बार इस वीडियो को देखें याद नहीं होता है, तो आप वाकई में महसूस करोगे कि ये क्वेश्चन वही है जिनको आप छोड़ के आते हो। तो अब आप छोड़ के नहीं आओगे, ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप इनको याद करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? मैट्रिडियम। डी इज द राइट आंसर, समुद्री एनीमोन के नाम से कौन जाना जाता है? मैट्रिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। अब फ्रेंड्स आपके पांच क्वेश्चन में बहुत ही सरल ले गया हूँ, 25 क्वेश्चन में से मैंने कहा था 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको शायद 70% छात्रों को नहीं आए और 30% लोगों को आए, छात्रों को आए। अब ये पांच क्वेश्चन आपको उम्मीद है कि इनका राइट आंसर आपको आता होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फ्रेंड्स फीमर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो फ्रेंड्स पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मानव पैर की हड्डी नहीं है, तो ह्यूमरस जो है फ्रेंड्स वो मानव पैर की हड्डी नहीं है, ये ऊपरी भुजा होती है मानव शरीर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो क्वेश्चन पूछ भी लिया है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा, सी इज द राइट आंसर। बहुत ही सीधे सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ की हड्डी, डी इज द राइट आंसर, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है टांग में, बी इज द राइट आंसर। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? टांग में। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड मस्तिष्क का भाग मेडुला है, थैलेमस है, पॉन्स है, लेकिन जो पिन्ना है यह हमारे मस्तिष्क का भाग नहीं है। उम्मीद है कि टॉप 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार और अच्छे लगे होंगे। टॉप 30 क्वेश्चन में से मैंने शुरू के में जब वीडियो की शुरुआत हुई थी तो मैंने कहा था कि 30 में से लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 70% विद्यार्थी
एग्ज़ाम के अंदर कंपटीशन में छोड़ के आते होंगे। लेकिन अगर आपको इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे सेशन चाहिए तो आप चैनल से जुड़े रहें। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको दिल से अगर वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक करने में कोई कंजूसाई नहीं करें, शेयर करें, और आप किस सेशन पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।